नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली की राजनीति में एक चमकते हुए सितारे की तरह प्रकट हुए थे अरविंद केजरीवाल। एक झटके में पार्टी बनाई, एक साल में दिल्ली पर छा गए, सरकार बना ली, लेकिन उनके दावे और वादे ही उनके रास्ते के पत्थर बन गए। चाहे बिजली बिल पर सब्सिडी का मामला हो या भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट जारी करने का, केजरीवाल अदालत से लेकर ईमान तक के कटघरे में खड़े हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की। कांग्रेस, बीजेपी से लेकर दूसरे दलों के तमाम नेताओं का नाम उसमें लिया। अब उनमें से ही तीन नेताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया, केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई गई। सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, अवतार सिंह भड़ाना। आंदोलनकारी केजरीवाल तब तक दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हो चुके थे, लेकिन अंदर का एक्टिविस्ट इस कदर जाग उठा कि देश में भ्रष्टाचारी नेताओं की एक लंबी चौड़ी सूची बनाकर मीडिया से रूबरू हो गए। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या दूसरी छोटी मोटी पार्टियां, केजरीवाल के भ्रष्टाचार बाढ़ से कोई नहीं बचा। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। केजरीवाल ने विरोधी नेताओं को भ्रष्टाचार के घेरे में कसा तो अपनी मानहानि से तिलमिलाए नेताओं ने केजरीवाल को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया। गुस्सा तो सबको आया। केजरीवाल से कईयों ने पूछा कि सबूत क्या है, क्या हवा में सूची लहराओगे। मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल जी को कि अगर मेरे पास वो प्रूफ दे दे मुझे, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति त्याग कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं दे तो ये जनता के बीच में जाके कहें कि वो खुद पार्टी छोड़ देंगे और पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। लेकिन बोलने से ज्यादा कानून की चौखट पर दस्तक देने पहुंच गए तीन नेता। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार और कांग्रेस के सांसद अवतार सिंह भड़ाना तिलमिला उठे। तीनों ने बारी बारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अदालत से गुहार लगाई, हुजूर केजरीवाल तो मानहानि कर रहे हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल और आशुतोष ये दोनों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट आज रजिस्टर की है और केस भी रजिस्टर की है और ये कार्रवाई में पूरी ओर से निश्चित रूप से आगे ले जाऊंगा। लगातार बेबुनियाद झूठे आरोप करना और ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करना ये कोई राजनीति नहीं हो सकती। कांग्रेस के सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी कि वो एक इज्जतदार आदमी है, लेकिन केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में उनका नाम डालकर बीच सड़क पर उनकी इज्जत का पलूदा कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली हाईकोर्ट में भड़ाना ने मामला लिखवाया तो गडकरी ने पटियाला हाउस सेशन कोर्ट में। गडकरी ने अदालत से गुहार लगाई कि केजरीवाल ने तो उनकी इमेज बिगाड़ दी, लिहाजा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा। यहाँ भी सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई, 22 फरवरी की तारीख। अब टीम केजरीवाल भले ही कहे कि न खाता न बही, जो केजरीवाल बोले वही सही, लेकिन केजरीवाल की 50 भ्रष्ट नेताओं की सूची राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है। सबने अदालत की शरण भी ले ली है। अब लगता है कटघरे में केजरीवाल ही खड़े होने वाले हैं। इस बीच एक और मुकदमा बेंगलोर में भी हो गया। बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार ने बेंगलोर की सेशन कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया। अदालत ने केजरीवाल को हिदायत भी दी है कि इस मामले में आगे वो अनंत कुमार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की आंखों में चुभने वाले केजरीवाल को राजनीति के हर विरोधियों ने अपने अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह से जो गुणवत्ता वाले पदार्थ हैं उनके लिए ISI का मार्ग था, तो क्या आम आदमी पार्टी आज ईमानदारी का ISI मार्ग देने वाली संस्था बन गई है कि जिसको कहें वो ईमानदार, जिसको कहें बेईमान वो बेईमान। ये कौन से लोग हैं जिनके जीवन का सिद्धांत यह है कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो करैक्टर ढीला। देखिए, केजरीवाल के जो आरोप थे उसमें कोई दम नहीं था और ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस तरह के घटिया
तकनीकी का इस्तेमाल किया था, जनता जान चुकी है। केजरीवाल के लिए मुश्किलें तो ऐसे भी शुरू हो गई। दिल्ली में सरकार बनाई थी, सरकार चलती कि उससे पहले ही गिर गई। उस पर से दूसरे नेताओं पर उठाई गई उनकी उंगली ही अदालत में हिसाब मांगने लगी है। आपके लिए भ्रष्टाचार के सबूत लाना चुनौती भी है और मुश्किल भी। कई बार डिफेमेशन केस हो चुका है, डरेंगे वो। दरअसल जो राजनीति का मुकाबला राजनीति से नहीं कर सकते, ये लोग राजनीति का मुकाबला राजनीति से नहीं कर सकते, इसलिए अदालत का रास्ता खटखटाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत का हम सम्मान करते हैं, अदालत की जो भी प्रक्रिया होगी, कानून की जो भी प्रक्रिया होगी, उसका पालन किया जाएगा, उसका सम्मान होगा। लेकिन अगर हमको डराने की कोई कोशिश करेगा तो उससे हम डरने वाले हैं। ये लोकतंत्र है और देश लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान में शामिल होने जा रहा है, जो आमतौर पर 5 साल में एक बार होता है। दूसरों की काली कमीज पर अपनी सफाई चमकाने की होड़ न जाने चुनाव तक कौन कौन सा रंग दिखाएगी। लेकिन इस सब के बीच साफ सुथरी राजनीति का दावा और वादा करने वाले केजरीवाल मानहानि के कटघरे में बैठे हैं। प्रमिला दीक्षित के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। बिजली पानी के सवाल पर केजरीवाल दिल्ली के दिल का राजा बने थे। केजरीवाल के आंदोलन के दिनों में जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा था, उनका बकाया केजरीवाल ने सत्ता पाने के बाद माफ कर दिया। लेकिन दिल्ली के हाईकोर्ट ने केजरीवाल के उस फैसले को फिलहाल रोक दिया है। तब सोचा नहीं होगा अरविंद केजरीवाल ने कि राजनीति की ये चालें अदालत की चौखट पर उन्हें इतना तगड़ा करंट देंगे। बिजली बिल में 50% की छूट के उनके फैसले पर दिल्ली के हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी। अभी निर्णय नहीं आया है, अभी पिटीशन की आज पहली सुनवाई थी और 2 दिन का उन्हें समय दिया गया है कि 2 दिन में आप एफिडेविट फाइल कीजिए और इसलिए शुक्रवार को इसकी हियरिंग होगी। इस पूरे मामले को समझने के लिए आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले के माहौल पर नजर डाल लीजिए। एक अजीब किस्म की राजनीति थी अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के चुनावी समर में उतरे तो ऐलान कर दिया कि बिजली का बिल ना चुकाएं लोग। जब लोगों का कनेक्शन कटने लगा तो कानून अपने हाथ में लिया और लगे जोड़ने बिजली के तार। IIT के इंजीनियर का नेता के रूप में ये नया अवतार था। दिल्ली में 50% से ज्यादा बिजली के दाम कम किए जाएं। लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा किया। केजरीवाल ने सीटें तो 28 जीती, लेकिन दिल्ली का दिल पूरी तरह जीत लिया। जिस कांग्रेस को धूल चटाई, उसकी ही मदद से सरकार भी बना ली और अब सरकार बनी तो ऐलान कर दिया कि जिसने बिजली का दाम नहीं दिया था उसे 50% की छूट मिलेगी। जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता तब तक दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। फैसला तो वाहवाही वाला था। 12 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल पर करीब 13 करोड़ रुपए का बकाया माफ करने का फैसला ले लिया। केजरीवाल ने उन लोगों का बिल माफ करने का फैसला लिया था जिन्होंने धरने के दौरान बिजली का बिल अदा नहीं किया था। ये बकाया अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 के बीच का है। 14 फरवरी को केजरीवाल ने अपनी सरकार की शहादत दे दी। सोचा होगा कि बिजली की चमक और सरकार की कुर्बानी का तेज उनके कद में 4 हाथ की बढ़ोतरी कर देगा, लेकिन अदालत ने तो केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि क्या बिजली पर सब्सिडी की घोषणा सिर्फ घोषणा भर थी, क्या बिजली पर फैसला कैबिनेट का फैसला था या बिजली पर छूट देने का यह फैसला विधानसभा ने लिया था। जिस मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी को जीवनदान मिला, अब उसी मामले को लेकर कोर्ट में पार्टी और केजरीवाल दोनों घिर गए हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एफिडेविट देकर बताएं कि स्थिति फिलहाल क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिजली के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को करंट लग सकता है। हालांकि हाईकोर्ट का निर्देश मौखिक है, लेकिन शुक्रवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। साफ है कि न्याय के दर पर आम आदमी पार्टी को अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। मैं इसको झटका मानता ही नहीं भाई, कानून की एक प्रक्रिया है,
अदालत का एक फैसला अगर है तो हम सब उसका मानते हैं, क्योंकि हम सबको इस बात में यकीन है कि रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर है, संविधान है, लोकतंत्र है और हम उसकी इज्जत करते हैं। बिजली पर लगे झटके के बाद आपको एक झटका बिन्नी मामले में भी लगा। हाईकोर्ट ने आपसे निकाले गए बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी को निर्दलीय विधायक के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही विधानसभा में आपके विधायकों की संख्या 27 रह गई है। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ। ये सच है कि अरविंद केजरीवाल ने लकीर की फकीर वाली राजनीति को बदल दिया, लेकिन इस बदलाव में अक्सर केजरीवाल ने ईमानदारी को आम आदमी पार्टी की जागीर मान लिया। इसी कड़ी में उन्होंने एक एजेंसी का हवाला देकर दावा किया कि दिल्ली में उनके राज में भ्रष्टाचार घटा, लेकिन एक दिन में ही दावे की कलई उतर गई। अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। कारोबारियों और अर्थशास्त्रियों की महफिल में अपनी हुकूमत के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने का दावा करके अरविंद केजरीवाल ने महफिल लूट ली, लेकिन महफिल लूटने की वो रौनक 24 घंटे में ही हवा हो गई, जब सर्वे करने वाली संस्था ने कहा, ऐसा सर्वे तो हमने किया ही नहीं। हमने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है और ना कोई ऐसी पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट या कोई ऐसा सर्वे हमने किया है। लेकिन अपनी वाहवाही में केजरीवाल का दावा अब उल्टा पड़ा। जब उल्टा पड़ा तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया, तब बैकफुट पर आई आप सफाई देने लगी। अनुपमा झा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ काम करती रही हैं और शायद ये कन्फ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं, लेकिन वो सर्वे इंडिपेंडेंट कर रही हैं वो, इसलिए वो कन्फ्यूजन रहा। अदरवाइज ऐसा कोई क्लेम नहीं हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे किया है। दावा करना और फिर उससे मुकर जाना, ये तो राजनेताओं की खूबी रही है और अरविंद केजरीवाल भी अब मंझे हुए राजनेता की तरह काम करने लगे हैं। जिस ईमानदारी का अब तक वो दम भरते रहे, वही विवादों में घिरती जा रही है। अब खुद को ईमानदार और दूसरे को भ्रष्ट करार देने के दावों से पब्लिसिटी जरूर मिल रही हो, लेकिन गंभीरता पर तो सवाल खड़े हो ही। पार्टी के नेता ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि उनकी ईमानदारी शक से परे है, लेकिन CII की बैठक में छाती ठोंक कर भ्रष्टाचार दूर करने का दावा करने वाले केजरीवाल इस पर खामोशी के कटघरे में चले गए। न जाने कब उनकी यह चुप्पी टूटेगी। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाद देश जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल ने कुमार विश्वास को उतार दिया है। कुमार विश्वास हर घर के सामने दस्तक दे रहे हैं, लेकिन राहुल के सामने क्या वो इतिहास की धारा पलट पाएंगे? पूरे देश में बहनें राखी बांधती हैं भाई के हाथ में, इसलिए कि भाई रक्षा करेगा। केवल अमेठी के सांसद है वो इसलिए राखी बंधवाते हैं कि जब मैं फंसूंगा तो बहन रक्षा करने के लिए आएगी मेरी। यहाँ पर उल्टी राखी बंधवाई जाती है। खुद को युवा हृदय सम्राट कहने वाले कुमार विश्वास ने आपकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोंक दी है। गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि राजीव गांधी की प्रतिमा पर जाकर आशीर्वाद भी ले लिया। नहीं, राजीव गांधी एक प्रतीक है इस अमेठी का। अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया और उनके प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो बहुत तरल भाव है, उसको प्रणाम है। और मैंने पहले कहा कि कल मैं एक तीर्थयात्रा पर निकल रहा हूँ, हिजरत पर निकल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुमार विश्वास के रोड शो और उम्मीदों पर राहुल ने पानी फेरने के लिए अपना दांव भी चल दिया। राहुल ने अपने पिता की शहादत की याद दिलाई और बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को अखिलेश सरकार की तरफ धकेल दिया। राजीव गांधी जी ने काम किया, विकास की नींव रखी थी, आपके वो प्यारे थे और वो शहीद हुए। राजीव गांधी जी मेरे पिता थे, आपके भी वो बहुत करीब थे। राजीव गांधी जी वापस नहीं आएंगे। दरअसल राहुल के खिलाफ वो लड़ाई कुमार विश्वास की नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल की है। केजरीवाल जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ जंग जीत ली तो इसका असर दिल्ली तक साफ दिखेगा, लेकिन ये जंग आसान नहीं है। आमिर हक, अमेठी, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।